हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप लोग। गेमिंग के ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम है ना TS9 की एक ऐसी यूनिक फार्मिंग अटैक स्ट्रेटजी में आपको बताने वाला हूँ। आपको कहीं पे भी अटैक स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी, आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और उस दबा दीजिए उस बेल को, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी जो है आर्मी वो आपको शो करने वाला हूँ। तो जो हमारी आर्मी होने वाली है वो ये आर्मी होने वाली है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर बिल्कुल ईजी तरीके से आप देख सकते हैं। सिंपल आर्मी आपको 31 राइडर्स ले जाने हैं, 17 आपको 70 जायंट्स ले जाने हैं, 30 गॉब्लिन ले जाने हैं, 5 वर्ल्ड ब्रेकर, 17 विजार्ड और एकदम ईजी स्क्वायर्स है। आपको 4 और क्यों ले जानी है, 2 हीटिंग और 1 हिट। दोस्तों, सीसी टू इसमें नहीं होने वाला है। तो आज हम इस बेस पे करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो रिसोर्सिस है हम उसको फुल्ली डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तो अगर आप इसके लूट देख लोगे तो आप ध्यान से देख लो भाई, 7 लाख 5 लाख और 3000 की लूट है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको शो करना है रिसोर्सिस का, आप ध्यान से देख लीजिए। और इस रिसोर्सिस का आपको 1 आर्चर से ना डिस्ट्रॉय करने की ट्राई करनी है। तो मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा, आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपके आर्चर डेड हो जाती है तो कोई भी तो अभी कोई बात नहीं, वैसे आपको एक एक आर्चर रिमूव करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं सभी जगह एक एक कर दूंगा। अब जब तक आपके आर्चर 20 जैसी हो जाए तब तक आपको ऐसे करते रहना, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जायंट्स का भी रिमूव करना है। और ये यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, अब आपको ध्यान से देख लीजिए, मुझे इस बेस में एलिक्सर ज़्यादा फार्म करना था। ऐसा नहीं है कि आप इससे सिर्फ एलिक्सर फार्म कर सकते हैं, आप इससे गोल्ड भी फार्म कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने जो सारे के सारे जायंट है ना उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए वीडियो में। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आपका जो विजार्ड है ना उसको रिमूव करना है और सम आर्चर्स और किंग और क्वीन को रिमूव करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर रिमूव करूँगा अभी, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने अपने सभी विजार्ड किए और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जैसे आपको लगे का सारा डिफेंस जाए जब विजार्ड पे टूट पड़ा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो यूनिक हो, दोस्तों मैं यहाँ पर ध्यान से दिखा देता हूँ, ओके। आपको कुछ यूनिक यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, कुछ यूनिक ऐसी मॉल्स को डिस्ट्रॉय करना है जिससे सीधे आते हो, मतलब गॉब्लिन हो ना, चाहे वो अंदर का फार्म हो या फिर बाहर का, गॉब्लिन सीधे अंदर जाने चाहिए या फिर जायंट। यहाँ पर देखेगा, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर मेरे जायंट को कोई भी रिमूव दीवार को ब्रेक डिस्ट्रॉय करने की बारी नहीं आएगी, सीधे मेरे जायंट अंदर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना क्वीन भी रिमूव कर दिया है। और अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपका जो 13 गॉब्लिन लाए है और 31 आर्चर्स लाए थे उसके साथ आपको ये सब आर्चर्स ये सब डिस्ट्रॉय करवाने हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारे जो गॉब्लिन है ये वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, देखिए सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो मैं आर्चर्स थे उसको भी आपको यूज में ले रहा है, ठीक है। एक बार ध्यान रखना है, अगर आपके जायंट की लाइफ बहुत ही ज्यादा लाल हो जाए तब उसको 1 हीलिंग भी दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप 2 हीलिंग लाने वाले हैं इस वीडियो में। अब मैंने दे दिए किंग को एबिलिटी, यहाँ पे दे दूंगा मैं एक और हीलिंग। दोस्तों इसी तरफ अगर दिन के अंदर आप सिर्फ 5 अटैक्स करते हैं ना ऐसे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका जो फ्लोज, तो सब ऐसे अटैक करते हो ना जैसे कि समझ लीजिए 5 या 6, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 2 के 3 दिन के अंदर आपका जो गोल्ड स्टोरेज है एलिक्सर स्टोरेज भी फुल हो जाएगा, उसकी मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। अब दोस्तों, ये अटैक सेट तो बिल्कुल ऐसे ही सिंपल होने वाली है, लेकिन मैं आपको देने वाला हूँ एक और प्रूफ। और वो प्रूफ क्या होने वाला है, तो दोस्तों अब ऐसे आपको दोनों हीलिंग और ये सब आर्चर दे देना है, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया। तो मैं अभी जो है वो मेरे ब्रदर की आईडी खेल रहा हूँ, तो उसके अंदर ना ये सारे दीवार्स बाकी थे आज से कई 4 या फिर 5 डेज पहले। फिर मैंने खेलना शुरू किया इस आर्मी से, आप ध्यान से देख सकते हैं अब सिर्फ 4 वॉल्स बाकी है मेरी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा नेट थोड़ा स्लो हुआ इसलिए आप देख सकते हैं 4 वॉल बाकी है, सिर्फ यहाँ पर ध्यान से आप देख लीजिए, ठीक है। तो आप इसका बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तो चैनल वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए।